नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। अपने लिव रील रूल सीरीज के तहत आज हम लोग जिन विषय पे बात करेंगे उसमें है चाइल्ड एडॉप्शन रूल और चाइल्ड केयर लीव। ये दोनों लीव जो हैं वो उन महिला कर्मचारियों को दिया जाता है, उन महिला कर्मचारियों को दिया जाता है जो ना केवल भारतीय रेल की सेवा कर रही हैं बल्कि अपने परिवार के उनके प्रति जो उनका दायित्व है उसे निभाते हुए वो अपने परिवार को भी संभाल रही हैं और भारतीय रेल को भी संभाल रही हैं। हम लोग एक एक करके इन दोनों रूल के बारे में, लीव के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एडॉप्शन रूल क्या है। भारत में बच्चे को, किसी बच्चे को अगर दत्तक लेते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। तो मित्रों, जैसा कि भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि अगर कोई कर्मचारी अथवा कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसके जो जो कोई कपल है, पति पत्नी मिलकर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनके शादी का कम से कम 2 साल हो गया हो। दोस्त अगर शादी का 2 साल नहीं हुआ है तो वो जो कपल है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके शादी का कम से कम 2 साल हो गया हो। जो गोद लेने वाले जो माता पिता हैं उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि उन्हें किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं है। बच्चे का जो उम्र है, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है उसमें, और जो माता पिता है इनके आयु में कम से कम 25 साल का अंतर है। जो और जो बच्चे को गोद दिया जा रहा है तो उसमें जो कपल है उन माता पिता दोनों की रजामंदी, ये बहुत ज़रूरी है। माता पिता किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उनकी आर्थिक स्थिति वो ठीक ठाक है तभी बच्चे को गोद ले सकता है। यहाँ भी दो बातें महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुरुष कर्मचारी वो किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो यहाँ वो जो पुरुष कर्मचारी है वो सिर्फ पुरुष कर्मचारी है तो वो मेल चाइल्ड को ही गोद ले सकता है, जबकि अगर कोई महिला कर्मचारी है तो वो मेल या फीमेल किसी भी चाइल्ड को गोद ले सकती हैं। अगर कोई कपल गोद लेना चाहता है तो भी किसी बच्चे को भी, चाहे वो पुरुष लड़का हो या लड़की हो, वो किसी को भी गोद ले सकता है। अभी है कि उन्हें गोद लेने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है। तो गोद लेने के लिए उन्हें जो सबसे पहले उन्हें अपने पूरे परिवार का, जो उनके परिवार के मेंबर हैं उनका पूरा तस्वीर, और जो कर्मचारी गोद लेना चाह रहा है तो उसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, ये जो भी महत्वपूर्ण कागजात हैं वो उन्हें वो चाहिए। अपने इनकम की जानकारी देने के लिए उन्हें जो इनकम टैक्स जो भरा गया है तो उनका एक पावती उन्हें प्रस्तुत करना होगा, इनकम टैक्स की ऑथराइज्ड कॉपी उन्हें देनी होगी, और उन्हें अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा जिसमें वो उनके उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वो एक देना होगा। अगर कोई भी कर्मचारी शादीशुदा है और वो गोद लेना चाहता है तो उसे अपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो देना होगा। अगर कोई तलाकशुदा शख्स, स्त्री अथवा पुरुष, वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसे तलाक का जो कागजात है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो बच्चे, जो कर्मचारी अथवा जो पुरुष अथवा महिला अथवा कपल वो अगर किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उस पुरुष, जो पुरुष अथवा कपल के पक्ष में दो गवाह का हस्ताक्षर ये बहुत ही ज़रूरी है, वो लेना पड़ेगा। और अगर कोई कर्मचारी अथवा पुरुष या कपल
पहले से उनके कोई बच्चे हैं और उस बच्चे की उम्र अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उस बच्चे का भी लिखित प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी जरूरी है। तो ये हुआ वो कागजात जिसके आधार पे बच्चे का को एडॉप्शन किया जा सकता है। अब ये कि जो रेल कर्मचारी है वो बच्चे को एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन उसे अपने सर्विस रजिस्टर में उस बच्चे का नाम उसको एंट्री करना आवश्यक है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है वो जो एडॉप्शन के सारे कागजात हैं वो साथ में एक आवेदन वो DRMP के नाम से एप्लीकेशन देगा और उसमें उस सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अपने सर्विस रजिस्टर में एंट्री करने की अनुमति मांगेगा। जब कर्मचारी का आवेदन मंडल प्रबंधक कार्मिक के पास आएगा तो जो ग्रुप क्लर्क हैं वो कर्मचारी द्वारा दिए गए आवेदन और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यालय टिप्पणी बनाएंगे और उस कार्यालय टिप्पणी को कानूनी सलाह के लिए CLA के पास भेजा जाएगा। CLA के माध्यम से वो APO के पास आएगा। APO के रिमार्क के बाद वो ब्रांच ऑफिसर के पास जाएगा जो इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और उनकी सहमति के बाद कर्मचारी के सर्विस रजिस्टर में उनकी इस बात की एंट्री कर दी जाएगी। और कर्मचारी के सर्विस रजिस्टर में एंट्री होते ही कर्मचारी अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दे सकता है जो एक नेचुरल पिता अपने नेचुरल बच्चे को जो सुविधाएं दे रहा था अथवा रेलवे के द्वारा माध्यम से जो सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा सकती है वो सारी सुविधाएं उनको दिया जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी, चाइल्ड एडॉप्शन लीव के बारे में। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग जो छुट्टी नियम है ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के अध्याय 5 में इसके बारे में चर्चा की गई है और बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी चाइल्ड एडॉप्शन लीव ये पैरा 551-551 के सी इसमें इसके बारे में बताया गया है। ये कोई भी महिला कर्मचारी जो किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रही है और अगर उस महिला कर्मचारी के 2 जीवित बच्चे हैं और तीसरे बच्चे को वो एडॉप्ट कर रही है तो वैसे में उसे ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये किसी भी जीवित 2 बच्चे तक के लिए ही ये सुविधाएं उन्हें दी जा सकती है, जैसा कि हम लोग मैटरनिटी लीव में बता चुके हैं, इस पे चर्चा हो चुकी है। और मैटरनिटी लीव की तरह ही अगर बच्चे की जिस बच्चे को ग्रहण कर रही हैं उसकी आयु अगर 1 वर्ष से कम है तो ही उसे 180 दिनों के तक का जो छुट्टी वह मंजूर किया जा सकता है। और ये जो चाइल्ड एडॉप्शन लीव है इसे किसी भी छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। जो बच्चे को दत्तक लिया गया है उस बच्चे के एज के हिसाब से भी छुट्टी का निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिस दत्तक को ग्रहण करने की जो तारीख है उस समय अगर बच्चे की आयु 1 माह से कम है तो उसे 1 वर्ष की छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। अगर दत्तक ग्रहण करने के तारीख के समय बच्चे की आयु 6 माह या इससे अधिक है लेकिन 7 माह से कम है तो ऐसे बच्चे को 6 माह तक की छुट्टी इस केस में 6 माह तक की छुट्टी उन्हें मंजूर की जा सकती है। अगर बच्चे की आयु 9 माह उससे अधिक किंतु 10 माह से कम है तो ऐसे में 3 माह की छुट्टी की अनुमति उसे प्रदान की जा सकती है। यहाँ पे भी जैसा कि हम लोग मैटरनिटी लीव में थे कि ये छुट्टी जो है इसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा, ये कर्मचारी के लीव अकाउंट में जो है इसमें डेबिट अथवा क्रेडिट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक चाइल्ड एडॉप्शन लीव के समय कर्मचारी को पेमेंट देने की बात है तो जिस प्रकार मैटरनिटी लीव में स्पष्ट किया गया था
कर्मचारी छुट्टी पे जाने से पहले जो पेमेंट उसे दिया जा रहा था, छुट्टी के दौरान उसे वही पेमेंट दिया जाएगा, और छुट्टी के आने के बाद कर्मचारी को जो भी उसका इंक्रीमेंट वगैरह था वो मिला करके उसके आगे का पेमेंट किया जाएगा। और यह भी स्पष्ट है कि चूंकि ये छुट्टी लंबा हो जाता है और कर्मचारी का TPTG जो है, अगर वो कर्मचारी पूरे महीना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसका TPTG बंद कर दिया जाता है, तो कर्मचारी के आने के बाद फिर उसे उनका TPTG फिर से प्रारंभ किया जाएगा। साथ में अगर कर्मचारी का इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो उन्हें वो इंक्रीमेंट दिया जाएगा। कर्मचारी का जो लीव था, लीव जो क्रेडिट करना था APL अथवा HLAP, तो उसे उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। मित्रों, हम लोग CCL के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब ने जो हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।